हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ मनोज गुर्जर। टुडे अवर टॉपिक इज टीएस ऑफ लोअर कॉन्स एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिक्यूलस। आज हम पढ़ने वाले हैं फेशियल कॉलिक्यूलस के लेवल पे लोअर कॉन्स का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्या थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर हम इसका देखेंगे डायग्राम। थ्योरेटिकल पोर्शन की यदि बात करें तो टीएस जो होता है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉन्स, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है बेसिलर पार्ट या वेंट्रल पार्ट, और एक होता है टैगमेंटल पार्ट या डोर्सल पार्ट। टीएस ऑफ कॉन्स के दो पार्ट हैं, बेसिलर पार्ट और एक है टैगमेंटल पार्ट। सबसे पहले हम बात करें बेसिलर पार्ट की। बेसिलर पार्ट जो होता है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है और एक कंटिन्यू करता है विद पिरामिड और मेडुला के साथ। ये क्या है, बेसिलर पार्ट जो होगा कंटिन्यू करता है पिरामिड और मेडुला के साथ, और किसके साथ कंटिन्यू करता है, ईच साइड विद सेरिबेलम, सेरिबेलम के साथ कंटिन्यू करता है थ्रू एमसीपी। एमसीपी होता है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम से कंटिन्यू करेगा एक तो ईच साइड, और किससे कंटिन्यू करता है, मेडुला के पिरामिड से कंटिन्यू करता है बेसिलर पार्ट। अब बेसिलर पार्ट के ग्रे मैटर की यदि बात करें, बेसिलर पार्ट का ग्रे मैटर में आता है, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियाई पोंटिस को। ग्रे मैटर जो होता है इसका रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियाई पोंटिस को, और न्यूक्लियाई पोंटिस जो होता है वो स्केटर्ड होता है अमोंग द लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फाइबर के बीच में। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फाइबर के बीच में क्या है, बिखरा हुआ होता है न्यूक्लियाई पोंटिस। न्यूक्लियाई पोंटिस जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉर्टिकोपोन्टाइन सेरिवेलर पाथवे। कॉर्टिकोपोन्टाइन सेरिवेलर जो पाथवे होता है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, न्यूक्लियाई पोंटिस। पोंटाइन न्यूक्लियाई जो होता है सम न्यूक्लियाई डिस्प्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। न्यूक्लियाई पोंटिस में से क्या कुछ न्यूक्लियाई डेवलपमेंट के दौरान क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आर्क्यूट न्यूक्लियस और पोंटोबल्बर बॉडी बनाते हैं। क्या बनाएंगे, आर्क्यूट न्यूक्लियस बनाएंगे और पोंटोबल्बर बॉडी बनाते हैं। हमने क्या कहा कि न्यूक्लियाई पोंटिस जो है उसमें से कुछ न्यूक्लियाई डिस्प्लेस हो गए डेवलपमेंट के दौरान, और क्या बना दिया, आर्क्यूट न्यूक्लियस और पोंटोबल्बर बॉडी बना दिया। फाइबर फ्रॉम ऑल दीज न्यूक्लियाई, इन सभी न्यूक्लियाई से जो फाइबर है वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं गो टू द अपोजिट हाफ ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के अपोजिट हाफ में जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई किसी ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर में हमने क्या पढ़ा, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियाई पोंटिस को जो स्केटर्ड होता है कहां पे, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर फाइबर के बीच में, और वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कॉर्टिकोपोन्टाइन सेरिबेलर पाथवे का। उसमें से कुछ न्यूक्लियाई क्या डेवलपमेंट के दौरान डिस्प्लेस होकर के क्या बनाते हैं, आर्क्यूट न्यूक्लियस बनाते हैं, पोंटोबल्बर बॉडी बनाते हैं। और वो कहां जाते हैं, उनके फाइबर कहां जाते हैं न्यूक्लियस से, अपोजिट हाफ ऑफ सेरिबेलम में। अब हम बात करते हैं व्हाइट मैटर की। व्हाइट मैटर में दो तरह के फाइबर होते हैं, एक तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, एक होते हैं ट्रांसवर्स फाइबर। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट को, या कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर को, और इंक्लूड करते हैं कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर को जो एंड हो जाते हैं कहां पे, पोन्टाइन न्यूक्लियाई में। हमने क्या कहा कि व्हाइट मैटर में दो तरह के क्या आ रहे हैं, फाइबर आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, एक आ रहे हैं ट्रांसवर फाइबर। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर में इंक्लूड है कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर, और एक है कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर। कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर एंड कर रहे हैं पोन्टाइन न्यूक्लियाई में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसवर्स फाइबर की। ट्रांसवर्स फाइबर में आता है पोंटो सेरिबेलर फाइबर। कौन से फाइबर आते हैं, पोंटो सेरिबेलर फाइबर आते हैं ट्रांसवर्स फाइबर में, जो बिगिन कहां से करते हैं, बिगिन तो करते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई से, और कहां जाते हैं, गोइंग टू द अपोजिट हाफ ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के अपोजिट हाफ में जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई ट्रांसवर्स फाइबर, जिसमें हमने पढ़ा पोंटो सेरिबेलर फाइबर जो बिगिन कर रहे थे पोंटाइन न्यूक्लियाई से और जा रहे थे अपोजिट हाफ ऑफ सेरिबेलम। ये तो हो गया बेसिलर पार्ट की बात। अब हम बात करेंगे टैगमेंटल पार्ट की। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टैगमेंटल पार्ट की या डोर्सल पार्ट की। टैगमेंटल जो पार्ट होता है लोअर पॉन्स में अलग होता है और अपर पॉन्स में अलग होता है, और बेसिलर पार्ट जो होता है अपर और लोअर पॉन्स दोनों में क्या होता था, सेम होता था। अब हम बात करते हैं टैगमेंटल पार्ट के ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर की बात करें तो इसमें होता है एक सिक्स क्रेनियल जो नर्व होती है उसका न्यूक्लियस होता है एब्डुसेंस न्यूक्लियस। एब्डुसेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेनिथ द फेशियल कॉलिक्यूलस। कहां प्रेजेंट होता है, फेशियल कॉलिक्यूलस के नीचे प्रेजेंट होता है। एक होता है फेशियल नर्व न्यूक्लियस जो लाई करता है इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ पॉन्स। पॉन्स का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है उसमें लाई करता है फेशियल नर्व न्यूक्लियस। नेक्स्ट होता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो लाई करता है लेटरल पार्ट में। तो तीन न्यूक्लियस हमने पढ़े, एक था एब्डुसेंस न्यूक्लियस जो कहां लाई कर रहा था, वो लाई कर रहा था फेशियल कॉलिक्यूलस के बेनीथ। एक था फेशियल नर्व न्यूक्लियस जो लाई करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ पॉन्स में, और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व लाई करता है कहां पे, लेटरल पार्ट में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेस्टिब्यूलर और कॉक्लियर न्यूक्लियाई की।
वेस्टिबुलर और कॉक्लियर जो न्यूक्लियाई होते हैं ये लाइक करते हैं इन रिलेशन ऑफ आईसीपी। आईसीपी का मतलब क्या होता है? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के रिलेशन में लाइक करते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई की बात करते हैं सबसे पहले। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो होता है ये लाइक करता है इन डीप टू वेस्टिबुलर एरिया इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फ्लोर जो होता है ना फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में वेस्टिबुलर जो एरिया होगा ना उसके डीप में लाई करेगा। कौन सा? V4 वेस्टिबुलर एरिया और V4 वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहां लाई कर रहे हैं? डीप टू द वेस्टिबुलर एरिया। ये पार्सली तो मेडुला में और पार्सली पॉन्स में होते हैं। पार्सली मेडुला में होते हैं और पार्सली कहां होते हैं? पॉन्स में होते हैं। डिवाइड होते हैं फोर पार्ट में, सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट और लेटर। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटर पार्ट में डिवाइड होते हैं कौन? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ये रिसीव करते हैं फाइबर ऑफ वेस्टिबुलर नर्व से। वेस्टिबुलर जो नर्व है उससे फाइबर कौन रिसीव करेगा? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई रिसीव करेगा। नेक्स्ट बात करें, ये इफेरेंट फाइबर देते हैं किसको? सेरिबेलम को देते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल को देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं और लेटरल लेमनिस्कस। चार को देते हैं इफेरेंट फाइबर, स्पाइनल कॉर्ड, लेटरल लेमनिस्कस, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल और सेरिबेलम। नेक्स्ट हम बात करें डोर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर जो न्यूक्लियाई होते हैं, कॉक्लियर न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। ये दो होते हैं, एक डोर्सल होगा एक वेंट्रल साइड में होगा। ये रिसीव करते हैं फाइबर फ्रॉम कॉक्लियर नर्व से। कहां से फाइबर रिसीव कर रहे हैं? कॉक्लियर नर्व से फाइबर रिसीव कर रहे हैं और इफेरेंट फाइबर देते हैं सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को। किसे दे रहे हैं? सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को देते हैं और पार्सली ये देते हैं किसको? न्यूक्लियाई ऑफ कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम और टू न्यूक्लियर लेटरल लेमनिस्कस। देखो मेनली तो देते हैं सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को और पार्सली देते हैं लेटरल लेमनिस्कस के न्यूक्लियाई को और किसको? कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम के न्यूक्लियाई को। कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम के न्यूक्लियाई को देते हैं और देते हैं लेटरल लेमनिस्कस के न्यूक्लियाई को। ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे ट्रेपेजोइड बॉडी। जो ये फाइबर है क्या बनाएंगे? ट्रेपेजॉइड बॉडी बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें सुपीरियर सलाइवेटरी और लैक्रिमेटरी न्यूक्लियाई भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दो न्यूक्लियाई आल्सो प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर सलाइवेटरी और लैक्रिमेटरी न्यूक्लियाई। ये तो हो गया इसका ग्रे मैटर, अब हम बात करेंगे व्हाइट मैटर की। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें टेगमेंटम पार्ट के व्हाइट मैटर की। व्हाइट मैटर में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी की। ट्रेपेजॉइड बॉडी जो होती है ये होता है ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर। ये क्या है? फाइबर्स का ट्रांसवर्स बैंड होता है और ये लाई कहां करता है? जस्ट बिहाइंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ पॉन्स। पॉन्स का जो वेंट्रल पार्ट होता है उसके बिहाइंड लाई करती है ट्रेपेजॉइड बॉडी। ये क्या है? ये पार्ट होता है ऑडिटरी पाथवे का। क्या होता है? ऑडिटरी पाथवे का पार्ट होता है ट्रेपेजॉइड बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें मीडियल लेमनिस्कस की। मीडियल लेमनिस्कस जो होता है जॉइंट होता है किसके द्वारा? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा। मीडियल लेमनिस्कस जो होता है जॉइंट होता है किसके द्वारा? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा। नेक्स्ट ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस जो होता है ये कन्वे करता है फाइबर्स ऑफ सेकंड सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं उसके फाइबर को कन्वे करता है कौन? ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। कहां से ये कन्वे कहां से करता है? फ्रॉम स्पाइनल और सेंसरी न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के स्पाइनल और सेंसरी न्यूक्लियाई से सेंसरी न्यूरॉन जो है सेकंड सेंसरी न्यूरॉन उनके फाइबर को कन्वे करता है लेटरल लेमनिस्कस। नेक्स्ट हम बात करें स्पाइनल लेमनिस्कस की। इसी को बोलते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनल लेमनिस्कस को क्या बोला जाता है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं। ये लाई करता है लेटरल टू मीडियल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस के लेटरल साइड में लाई करता है। इसके बाद हम बात करें आईसीपी, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये लाई करता है लेटरल टू द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर होता है उसके लेटरल साइड में लाई करता है आईसीपी। नेक्स्ट हम बात करें फाइबर ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के जो फाइबर होते हैं वो फर्स्ट पास करेंगे बैकवर्ड और मीडियली। ठीक है, कहां पहुंच जाएंगे? टू रीच द मीडियल साइड ऑफ एब्डुसेंस न्यूक्लियस। एब्डुसेंस न्यूक्लियस के मीडियल साइड में पहुंच जाएंगे और क्या बनाएंगे? एक लूप बना देते हैं। कहां? ये लूप बनता है डोर्सली। लूप कहां बनेगा? डोर्सली बनेगा। इसके बाद ये जो लूप है, ये लूप क्या है? रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस एलिवेशन। एक एलिवेशन प्रोड्यूस करेगा जिसे हम बोलेंगे फेशियल कॉलिक्यूलस। कहां पे एलिवेशन प्रोड्यूस होगा? फेशियल कॉलिक्यूलस इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है किसका? टीएस ऑफ लोअर पॉन्स एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिक्यूलस का। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डायग्राम। देखो इसका डायग्राम बनेगा कैसे। डायग्राम यदि हम बनाए तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे करना, फिर इसको जस्ट ऊपर लेके जाना ऐसे। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर हम ऐसे। ठीक है,
इसके बाद में ऐसे ऐसे ये हो गया इसका डायग्राम, ये डायग्राम का एक ओवरव्यू हो गया। अब इसमें देखो कैसे क्या करना है हमको, इसमें सबसे पहले हम यहां बनाएंगे, ये होता है क्या मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ये क्या है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, यहां पे आपको बनाने होंगे देखो यहां पे ऐसे, ये क्या है, ये होता है मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है, और मीडियल लेमनिस्कस में ये ऐसे, ये है ट्रेपेजॉइड बॉडी, ये क्या है ये मीडियल लेमनिस्कस है ट्रेपेजॉइड बॉडी। इसके अलावा यहां पे दो नर्व होती है, एक फेशियल नर्व होती है, एक होती है एब्डुसेंस नर्व, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं यहां पे एब्डुसेंस नर्व, एब्डुसेंस नर्व यदि हम बनाए तो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम बनाएंगे कौन सी, ये तो हो जाएगी एब्डुसेंस नर्व, लिख दो लिख, ये तो हो गई एब्डुसेंस नर्व, एब्डू ये क्या है एब्डुसेंट नर्व, एब्डुसेंट नर्व, ठीक है। एक हम बात करते हैं किसकी, फेशियल नर्व की, देखो फेशियल नर्व कहां से, ऐसे, एक यहां पे ऐसे, ठीक है, इसी प्रकार यहां से जाएगी, ठीक है, ऐसे, ये समझ में आ गया, ये हो गया ऐसे। अब हम बनाएंगे क्या इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल यदि बनाए तो देखो यहां पे तो ऐसे होता है, ये हो जाएगा इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। इधर यदि इधर देखो इधर कैसे बनेगा, इधर यदि बनाए कुछ ऐसा ऐसा ही इधर होता है, देखो ये हो गया इधर का इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये क्या है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इसके ऊपर देखो यहां पे एक न्यूक्लियस होगा ये, और एक न्यूक्लियस यहां पे होगा, ये कौन सा न्यूक्लियस, ही होता है डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके अलावा एक न्यूक्लियस होता है यहां पे, ठीक है, ये कौन सा न्यूक्लियस, ये होता है वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, और एक न्यूक्लियस होता है यहां पे, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अलावा हम देखें इसमें क्या होती है, इसमें होते हैं पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, देखो यहां पे होंगे पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, ये है पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, ये है पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, ठीक है, इधर भी पॉन्टाइन न्यूक्लियाई होंगे, और ये होते हैं फाइबर्स, ये क्या है फाइबर, ये हो गए फाइबर्स, ठीक है, ये फाइबर्स हो गए। इसके अलावा देखो ये यहां पे होता है मीडियल सेरिबेरल पेडंकल, देखो यहां पे, इसके अलावा देखो यहां से ये फाइबर्स हैं, ये हो जाएंगे फाइबर्स, ये ऐसे फाइबर्स, ये क्या है फाइबर्स हैं, ये हो गए फाइबर्स की बात। अब हम इसकी करेंगे लेबलिंग, देखो लेबलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये क्या है फोर्थ वेंट्रिकल, ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल में देखो ये है ना, ये
ये होता है फेशियल कॉलिक्यूलस, ये होता है फेशियल कॉलिक्यूलस, ठीक है। फेशियल कॉलिक्यूलस क्या था, फाइबर जो थे फेशियल नर्व के, ठीक है, वो कैसे जाते थे, बैकवर्ड जाते थे, मीडियल जाते थे और पहुंच जाते थे कहां पे, मीडियल साइड ऑफ एब्डुसेंस न्यूक्लियस, और क्या बनाते थे, एक लूप बनाते थे, उसी लूप से क्या एक एलिवेशन निकलता था, उसे नाम दिया था हमने फेशियल कॉलिक्यूलस। इसके बाद हम बात करें, देखो ये क्या है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ये हो जाएगा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ठीक, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ये हो जाएगा वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई, ये हो जाएंगे डॉर्सल एंड वेंट्रल, ये तो डॉर्सल, और ये हो जाएगा वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ये क्या है, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई होगी। ये क्या होगा, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा ये क्या है, ये होता है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, शॉर्ट में लिख रहा हूं सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये क्या होगा, ये होगा मीडियल सेरिबेलर पेडिंकल, ये क्या होगा, देखो ये इसी में लिख रहा हूं इंफीरियर सेरिबेलर पेडिंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडिंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडिंकल, ये सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये क्या होगा, ये होता है क्या, ये होता है स्पाइनल लेमनिस्कस, और ये होता है मीडियल लेमनिस्कस, ये तो हो जाएगा स्पाइनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस, ये क्या होगा मीडियल लेमनिस्कस, लेमनिस्कस, और ये क्या है, देखो ये ट्रेपेजॉइड बॉडी है, ये क्या है ट्रेपेजॉइड बॉडी, देखो मैं इधर लिख रहा हूं इसको ट्रेपेजॉइड बॉडी, ये वाली, ठीक है, ट्रेपेजॉइड बॉडी होगी। इसके अलावा देखो ये न्यूक्लियस, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये तो है, ये तो हो जाएगा, देखो एब्डुसेंस न्यूक्लियस है, एक फेशियल न्यूक्लियस है, फेशियल वाला तो ये है, देखो ये तो हो जाएगा फेशियल मोटर न्यूक्लियस, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो ये हो जाएगा एब्डुसेंस न्यूक्लियस, ये क्या होगा एब्डुसेंस न्यूक्लियस, एब्डुसेंस न्यूक्लियस, एब्डुसेंस न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, देखो ये है पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, ये क्या है, देखो ये होता है पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, पॉन्टाइन न्यूक्लियाई हम बताते थे ना, बेसिलर जो पार्ट था उसका ग्रे मैटर किसे रिप्रेजेंट करता था, पॉन्टाइन न्यूक्लियाई को प्रेजेंट करता था। ये होता किस किस के बीच में था, ये होता था लॉन्गिट्यूडनल फाइबर और ट्रांसवर्स फाइबर्स के अमोंग लाई करता था ये पॉन्टाइन न्यूक्लियाई। देखो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फाइबर की यदि बात करें, देखो ये है ना, ये होते हैं, देखो कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको पॉन्टाइन फाइबर, कॉर्टिको स्पाइन, देखो कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको पॉन्टाइन फाइबर्स, ठीक है। और ये वाले जो हैं, ये है क्या, ये होते हैं पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है, पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर तो थे ट्रांसवर्स फाइबर, और ये जो है कॉर्टिको स्पाइनल न्यूक्लियर और पॉन्टाइन, ये थे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, और ये दोनों किस में आते थे, ये आते थे बेसिलर पार्ट के किस में, व्हाइट मैटर में, ठीक है, ये बेसिलर पार्ट का व्हाइट मैटर बनाते हैं ये दोनों, ठीक है। और पॉन्टाइन न्यूक्लियर क्या बनाता था, ग्रे मैटर बनाता था। इसके अलावा हम बात करें, देखो ट्राइजेमिन, एक था टैगमेंटल पार्ट जिसे हम डॉर्सल पार्ट बोलते थे, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियस आते थे, एक तो एब्डुसेंस न्यूक्लियस आता था, जो कहां होता था फेशियल कॉलिक, ये फेशियल कॉलिक्यूलस उसके बेनीथ होता था, ठीक है। एक आता था फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, जो कहां होता था, वो लाई करता था रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ पॉन्स में,
इसके बाद एक था स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये रहा। ये कहां लाई करता था, ये लेटरल पार्ट में लाई करता है। इसके अलावा एक क्या था, वेंट्रल न्यूक्लियाई था, ये रहा, ये सॉरी, एक था वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई और एक थे कॉक्लियर न्यूक्लियाई, वो ये रहे, ठीक है। कॉक्लियर न्यूक्लियाई दो होते हैं, एक डोर्सल होता है एक वेंट्रल होता है, ठीक है। इसके अलावा व्हाइट मैटर पे आ जाए टैगमेंटल पार्ट के, व्हाइट मेटल में टैगमेंटल पार्ट का जो व्हाइट मैटर था उसमें हमने बात की थी ट्रेपेजॉइड बॉडी की, ये रही ट्रेपेजॉइड बॉडी। ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या थी, ऑडिटरी जो पाथवे था उसका एक पार्ट था, और ये होता क्या, ट्रांसवर्स बैंड होता है फाइबर्स का। एक मीडियल लेमनिस्कस होता था व्हाइट मैटर में, वो ये रहा मीडियल लेमनिस्कस था, एक स्पाइनल लेमनिस्कस था और एक ट्राइजेमिनल। देखो मीडियल लेमनिस्कस कहां है, ये रहा मीडियल लेमनिस्कस, ये स्पाइनल लेमनिस्कस। एक क्या था, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल ये रहा, वो लाई कहां करता था, वो लाई करता था लेटरल टू फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंटिकल, फोर्थ वेंटिकल के जो फ्लोर होता है उसके लेटरल साइड में लाई करता था। और फाइबर ऑफ फेशियल नर्व जो होते थे कहां जाते थे, बैकवर्ड जाते थे, मीडियल जाते थे और क्या बना देते थे, एक लूप बना देते थे, जिसे क्या नाम दिया था हमने, फेशियल कॉलिक्यूलस नाम दिया। इस तरह से ये ऑल ओवर डायग्राम प्लस थ्योरी क्या है, कंप्लीट होता है, किसका, टीएस ऑफ लोअर पोन्स एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिक्यूलस। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।